नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एनालिसिस में। और जैसे कि भैया अपना व्यू है, पिछले 10-15 दिन से बिल्कुल मार्केट वैसे ही चलता हुआ दिख रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। और मैंने आपको छोटी सी वीडियो बना के उसमें अपनी पोजीशन कैरी करने के लिए बोल दिया है। टाइम हो गया 3:25, एनालिसिस शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा गाइस, ये है मेरा चैनल जिसमें मैंने ये 17 मई की वीडियो है, 17 मई की वीडियो। आप उस समय निफ्टी 14,800 कुछ पे चल रहा था, आप मेरी बात सुनिए, मैं उस दिन क्या कह रहा हूँ। ये ऊपर निकलते ही इसमें आप कुछ भी पैटर्न ये देखेंगे आप, ये एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आ जाएगा यहाँ से, फिर इसको कम से कम 800-700 पॉइंट की तेजी करनी चाहिए यहाँ से, मतलब ऑल टाइम हाई के लिए निफ्टी का भाग है। इसको जोन को यहाँ से एवरेज ने ऊपर ब्रेकआउट, दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ गई अगर निफ्टी के 960 के ऊपर, जो कि मुझे लग रहा है अब आनी चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है अब आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया टाइम हो गया है। और एक चीज, इसने जो चैनल बनता हुआ आ रहा था ऊपर से, उसका भी ब्रेकआउट दे के सस्टेन किया है उसके ऊपर। ये दोस्तों मैं 17 मई को ये बात कह रहा था, 17 मई को प्रॉपर आपको लॉजिक के साथ बताया यहां से। और 900 के ऊपर अगर आप 700 पॉइंट जोड़ेंगे 14,900 के ऊपर, तो वो 15,600 होता है, जो कि आज लगभग वहां पे मार्केट खड़ा हुआ है। ठीक है, लगभग मार्केट वहां पे खड़ा हुआ है, ये तो इस लेवल की तो नॉलेज है इस चैनल पे। ठीक है, आप फिर नीचे देखिए 17 मई के बाद, मैं आपको याद होगा दोस्तों, मैं जब यहां पे निफ्टी होता था ना, आप देखेंगे मैं आपको बताता हूं, ये है आपका निफ्टी का, मैंने वीकली चार्ट की जगह मैं इसको डेली चार्ट लगाता हूं। आप में से काफी लोग देखते होंगे जब यहां पे था, यहां पे ऊपर नीचे, मैं आपको हमेशा मैसेज डालता था, डोंट कैरी सी, नो कैरी, मतलब सी ना कैरी करें ना बी कैरी करें, ब्रोक प्रॉफिट। पर जब से मार्केट ने ऐसे चाल पकड़ी है, ये 640 से जब से बाय में है, मैं आपको इंट्राडे के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कैरी करो। ठीक है, ये आप लोगों ने यहां पे देखा है, जब ऐसे था मार्केट, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, तो कुछ ट्रेंड क्लियर नहीं था और करेक्शन मोड चल रहा था। ये निफ्टी का आप देखेंगे यहां से, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ये एक करेक्शन मोड है यहां पे, सॉरी ये एक करेक्शन पैटर्न है जो कि निफ्टी नीचे की तरफ फॉलो कर रहा है। ये आप सब लोग को मैं कितनी बार बना बना के बताया था कि भैया ये करेक्शन जैसे ही पूरी होगी फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। फिर निफ्टी ने क्या किया, यहां से ये गाड़ी पकड़ी, ये वाली, ठीक है, ये दो रेल की पटरियां छोड़ के उसने ये वाली रेल की पटरियां पकड़ ली ऐसे। तो यहां पे जिस दिन मार्केट था ये वाली कैंडल में, उस दिन मैंने यही बोला था कि नाउ इट्स टाइम निफ्टी को डिसाइड करना है कि उसे ये वाला चैनल में जाना है कि उसे ये वाले चैनल में जाना है। जैसे ही निफ्टी इस वाले चैनल में घुसा, मैंने कभी आपको नहीं बोला कि बुक करके जाओ, ये करके जाओ, इनफैक्ट शॉर्ट का तो मैंने आपको एक बार भी बोला ही नहीं, हमेशा कैरी और पोजिशन, और दो बार आपको बुक करवाया, वो आप सब लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं और वीडियो डेली देख रहे हैं। और आज फिर एक बार प्रॉफिट बुक करवा के बोला कि 70-80 पॉइंट का लालच छोड़ो, 15,500 को क्रॉस करे, वहां पे होल्ड करता हुआ टिक जाए 15-20 मिनट, वहां से आप लोग बाइक में बैठ जाओ। ठीक है, श्योर शॉट खेलना है दोस्तों, सट्टा नहीं खेलना है, और प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। सारे पॉइंट ही आप थोड़ी लोगे क्या, टॉप प्रेडिक्ट कर लोगे? ठीक है, नहीं कर सकता। तो आइए आगे देखते हैं फिर क्या है। और यहां पे मैं आपको जब भी वीडियो बना रहा हूं, 25 मई, 15,300, इनको सुनोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि मैं अंदर क्या कह रहा हूं। जो लोग नए हैं वो देखें एक बार। ठीक है, 27 मई निफ्टी ऑल टाइम हाई, पहली मतलब उसमें एनालिसिस दिया हुआ है सब कुछ एडवांस। 31 मई निफ्टी 15,600, ये लास्ट वीडियो है। और बैंक निफ्टी 35,600, बैंक पता नहीं बैंक निफ्टी कितना चल रहा है, 35,500 के लगभग चल रहा है, गया था ऊपर भी, इसका भी रीजन देखेंगे। तो गाइस चलिए, मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ गया है, 3:30 बज गए हैं।
और अब हम निफ्टी बैंक से ही शुरू करते हैं, निफ्टी बैंक से ही शुरू करते हैं। आप देखेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक एक चैनल में घुस गया है अभी, जो कि चैनल इसका पुराना है, ठीक है। इसका इसने ब्रेक, यहाँ पे आप देखेंगे ये चैनल लास्ट ईयर सितंबर का मंथ है, यहाँ पे सितंबर का मंथ है और ये 24,000-25,000 के लगभग चल रहा था जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ये गया ऊपर, ठीक है। और इसी चैनल की जो अपर रेजिस्टेंस लाइन थी वहां पे आके इसने एक बार सपोर्ट भी लिया, देन ऑल टाइम हाई, ये बजट वाला जो टाइम था यहाँ पे, ठीक है। अब फिर नीचे आके इसके लोअर चैनल पे इसने सपोर्ट लिया है, लोअर चैनल, चैनल का जो लोअर लाइन है ये वाली, यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया है। और जैसे ही इसने सपोर्ट लिया इसको फिर ये एक बार ऊपर टैग कर चुका है, एक बार नीचे, और यहाँ पे ही इसी लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देख रहे होंगे निफ्टी ने, निफ्टी बैंक ने यहां से 1300 पॉइंट की तेजी दी है, पर जैसे ही इस लाइन को अपर लाइन पे आया, इसकी इतनी परफेक्ट है लाइन, जैसे ही इस पे अपर लाइन पे इसको टच करने आया इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। कितने दिन से, 1, 2, 3, 4, 5 और छठा दिन था, ये देखो आप छठा दिन था। और ये आपको कोई चैनल बना के दिखा रहा हो यूट्यूब में ना, तो मेरे को बता देना, मेरे को बता देना प्लीज। सल्यूट है उस गाई को, उस लड़के को भाई, कि भाई यहाँ बंदे को या जो मैम होगी कोई, कि उसको टेक्निकल की नॉलेज है, ठीक है। तो अगला, अब बात करते हैं दोस्तों, अगर ये इसको पार कर लेता है, इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, इसके ऊपर 35,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है और वहां पे एक दिन होल्ड कर लेता है। और आप एक चीज और देखेंगे, मैं जरा एक चीज और दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचू 35,500 पे, ये मैंने लाइन खींची, इस जोन को आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप, जब जब इसके ऊपर है कैंडल ग्रीन है, ठीक है, और रेड भी है, तो इसके नीचे क्लोज नहीं हो रही है। ये देखिए आप, ये तीन, ये वाले जोन ने इस पे कितना सपोर्ट लिया, ठीक है, बढ़ नहीं रहा पर सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक बार तोड़ा, ठीक है, ये फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। अब यहां पे जब नीचे आ गया तो इसी का फिर ये रेजिस्टेंस लेने लग गया, ये इसके, और फिर ऊपर था तो इसको सपोर्ट ले रहा था बीच बीच में। तो 35,500 के ऊपर जब तक था, ठीक है, तो ये एक अहम लेवल हो गया। ये मैंने आज ही देखा है यहां पे भी, इस बैंक निफ्टी की चाल मैंने जो देखी है, 35,500 का जो लाइन है इसके ऊपर था तो ये इसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा था, और नीचे था तो ये इसको ऊपर न जाने नहीं दे रहा था। पर जैसे ही इसने एक बार तोड़ा, दो बार तोड़ा, तीसरी बार जब तोड़ा, फिर तो ये पानी के झरने की तरह जैसे पहाड़ों में से बहता है नीचे आता चला गया, ठीक है। तो अब ये दोबारा से वहीं पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है 35,500 पे, और ये चैनल की अपर लाइन भी वहीं पे जा रही है, तो ठीक है। अब जब ये इसके ऊपर क्लोज दे देगा तो क्या, ठीक है। अब टेक्निकली बात करें, अगर ये चैनल का ब्रेकआउट आता है तो मैं ये वाले कैंडल पे सीधा इसके लोअर चैनल की वो पढ़ता हूँ, प्राइस कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा दोस्तों, इस जगह आएगा, ठीक है। ये वाली कैंडल ले लेते हैं, यहाँ पे ये आ रहा है 32,100, ठीक है। इसी कैंडल की मैं सीध में जाता हूँ तो इस चैनल की ब्रेथ हम पता करते हैं, तो इसकी ब्रेथ आ रही है यहाँ पे 34,700। तो ये जो 34,740 माइनस 32,100 ये आता है आपका 2,460। तो आप 2,640, हाँ सॉरी, कैलकुलेशन गाइस, दसवीं बारहवीं में थे तो बड़े तेज थे यार, अब बुरा हाल हो रखा है। 34,740 में से आप 32,100 माइनस करेंगे तो आता है 2,440, हाँ इसी के करीब आता है भाई, इतना उलझ गया हूँ यार, कर लेना भाई, 2,500 के आप लगा सकते हो, हंस रहे होंगे आप सब भी क्या कर रहा है, ठीक है। ये 2,500 पॉइंट इसके ऊपर दे देगा जैसे ही यहाँ इसके ऊपर ये दो दिन टिक गया इस चैनल को ब्रेक करके, तो आप अल्टीमेटली लगा लो 35,500 के ऊपर, 35,500 के ऊपर
अगर साला अगली बार से कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा यार, हंसी आ रही है अपने ऊपर। चलो हंस लो यार, हंसना अच्छा होता है। 35,500 के ऊपर अगर दो इसकी क्लोजिंग आ जाती है, टिक जाता है, वहां से आप 2,500 पॉइंट ऐड जोड़ लो, 38,000 का टारगेट जो मेरा बैंक निफ्टी का है वो इस पैटर्न चैनल के हिसाब से भी ब्रेकआउट देने पे आ जाएगा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपना निफ्टी बाबा पे। ठीक है, ये है दोस्तों आपका निफ्टी। निफ्टी पिछले आप देखोगे कितने दिन से कंटिन्यूअस हायर हाई हायर हायर क्लोजिंग हायर क्लोजिंग। कहां से है ये? यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और आज इसने टॉप लगाया है 15,605 का और 15,076 पे क्लोजिंग हुई है नीचे की तरफ आके। तो प्रोविजनल भी मेरे ख्याल पे जो आएगी वो इसके आसपास ही आनी चाहिए। तो अब इसका जो अगला पड़ाव है, मेरा तो टारगेट इसमें अल्टीमेटली बहुत जल्दी है विद इन जून 15 जो मैंने आपको बोला हुआ है, 15,800 से लेके 850, 15,800 से लेके 850 जो कि इसमें आना चाहिए। और अब रह कितना गया, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने तो दोस्तों अपना काम कर ही दिया है, जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, आपने देखा होगा यहां पे ये फिर ये फिर ये इसके ब्रेकआउट के ऊपर 700 पॉइंट की तेजी होनी थी जो निफ्टी कर चुका है और आपको 15,600 इसने दिखा दिया है। ये इतना रिलायबल पैटर्न है ना दोस्तों हेड एंड शोल्डर। ये एक दो स्टॉक में मेरे को और दिखाया है, मैं आपको अपडेट करूंगा, वहां पे ब्रेकआउट होते ही आपको वहां पे भी चांस पूरा का पूरा लेना है। ठीक है, तो अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं दोस्तों, क्लोजिंग का पता लग जाएगा, या फिर चार्ट में शायद दिखाते नहीं है, पीछे जाकर ही हमको देखना पड़ेगा। तो बने रहे दोस्तों और क्या कहते हैं, अब 15,500 को आप लगा लें अपना क्लोजिंग बेसिस पोजिशनल का एसएल, कि भाई जब भी 15,500 के नीचे अब कोई भी डेली क्लोजिंग आ जाएगी मैं पोजीशन से अपनी निकल जाऊंगा। ठीक है, 15,500 के नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग आ जाए आप अपनी पोजीशन से निकल जाऊंगा, ये आप अपना एसएल ट्रेल करते चले। और एलियट वेव के हिसाब से भी मैं आपको बता दूं, थोड़ी आपकी और पता लग जाएगा आपको, इसको उसके हिसाब से 15,000 क्या कहते हैं 16,000 का टारगेट आ रहा है, 16,000 का टारगेट आ रहा है, ये लेते हैं इसको थोड़ा। ये देखेंगे दोस्तों यहां से ये शुरू हुई है रैली, तो जो फर्स्ट वेव बनी थी वो बनी थी ये। ठीक है, अब मैं यहां पे इसको रोक देता हूं। जो सेकंड वेव होता है उसका गोल्डन रेशियो होता है 61.8। इस रैली का हम चेक करते हैं 61.8 कितना आता है, ये देखिए आप, ये देखिए ब्यूटीफुली इसने वहीं पर आपको लिया सपोर्ट और ऊपर की जर्नी शुरू कर दी। तो ये हो गया इसका वेव टू, यहां पे जो आएगी। ठीक है, अब वेव थ्री कितनी होती है जो कि चल रही है अभी, वो होती है वेव वन का 1.61%, वेव वन का 1.61% होती है वो। अगर आप निकालें ये लेके तो 1.61% ये लगभग 15,600-620 पे आ रही है, 15,600-620 पे आ रही है, पर ये खत्म होने से पहले एक रिट्रेसमेंट देगी, खत्म होने से पहले एक रिट्रेसमेंट देगी, फिर जाके कंप्लीट होगी। तो ये ऐसे करके लगभग मेरे को जाता हुआ दिख रहा है, वहां से ऐसे 500 के लगभग आ सकता है निफ्टी, ऐसे करके 500 कुछ पे फिर ये ऐसे जाएगा। तो 15,850 पहले आएगा, उसके बाद मैं थोड़ी बहुत करेक्शन देख रहा हूं निफ्टी में, अगर उससे पहले भी हो जाती है तो कोई नहीं है, वेव थर्ड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हम क्या कहते हैं जाना अल्टीमेटली फिर भी इसको ऊपर ही है, 15,850 निफ्टी में आना चाहिए, तो आना चाहिए। ये मैंने आपको अपने टेक्निकल के हिसाब से बता दिया, और ये इस ट्रेंड लाइन को जहाँ पे काफी दिन से इसको दिक्कत हो रही थी इसको भी ब्रेकआउट दिया इसने, हो सकता है इसको रिटेस्ट करें,
बट अल्टीमेटली टारगेट 15,800 से 850 ही है और उसके ऊपर भी जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पोजिशनल बाइंग बने रहे, निकलने की जरूरत है नहीं। प्रॉफिट बुकिंग जहां पे मुझे लग रही होगी मैं आपको करवा दूंगा, जैसे मैंने आज बताया आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख ही रहे हैं कि किस लेवल के नॉलेज और किस लेवल का टेक्निकल का समझ है यहाँ पे। ठीक है, और आपको कितनी लर्निंग मिलती है। मैं सीधा ऐसे नहीं बोलता हूँ बाय करो यहाँ पे बुक करो, आपको प्रॉपर लॉजिक बताता हूँ ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिले। ठीक है, इस वीडियो के बाद इंदुसिंध बैंक, रिलायंस और बजाज फाइनेंस, इसको मैं स्पेशली कवर करता हूँ जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो डोंट मिस, फिलहाल मैं इसको पोस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच।